नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यहां पर कॉलम की कंक्रीट जो कास्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसके सरफेस पर नमी बनाए रखने के लिए क्या किया गया है। जो जूट के बैग हैं, जो आपके यहाँ पर आपको गनी बैग्स दिख रहे हैं, उससे जो है उसके पूरे के पूरे कॉलम के सरफेस को कवर कर दिया गया है ताकि नमी बनी रहे और धूप से जो आपके कंक्रीट में जो नमी होती है, जो वाटर होता है, जो आपका मॉइस्चर होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। उससे जो है वो श्रिंकेज क्रैक आपके कंक्रीट में दिखते हैं। तो इस तरह के श्रिंकेज क्रैक आपके कंक्रीट में ना आए और आपका कंक्रीट जो है या फिर आपका कॉलम जो है वो मजबूत व सुरक्षित बन सके, तो आपको क्या करना होगा, क्योरिंग उसका आपको प्रॉपर जो मेथड है वो फॉलो करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम की क्योरिंग करने के लिए गनी बैग से जो है वो इस तरह से कंक्रीट के पूरे सरफेस को कवर किया जाता है और फिर उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि लंबे समय तक जो है वो नमी बनी रहे। सामने आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो कॉलम कास्ट हो रहा है, दूसरे दिन उसकी शटरिंग को रिमूव कर दिया जा रहा है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो गनी बैग लगाने का काम या फिर उसकी कंक्रीट को कवर करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है सभी कॉलम जो है उनके ऊपर इस तरह से जो है गनी बैग जो है वो लगाए जाएंगे और 7 से 10 दिन जैसे ही आपकी कॉन्क्रीट की क्योरिंग का टाइम पीरियड जो है पूरा हो जाएगा, जैसे कि सर्दियों में आप जो है 7 दिन तक और गर्मियों में जो है मिनिमम आप जो है वो 10 दिन तक क्योरिंग करेंगे, उसके बाद ये आप गनी बैग उतार सकते हैं, इन्हें निकाल सकते हैं और दूसरे किसी कॉलम में जिसकी कास्टिंग हाल ही में हुई है या फिर 16 घंटे हो चुके हैं कास्टिंग हुए, तो उसके ऊपर जो है वो उसके सरफेस को कवर कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो कॉलम की तराई की जाती है, उसकी क्योरिंग की जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है बैग्स को इसके बाहर लगाया जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं साथियों कि आप सामने देख सकते हैं कि बहुत सारे गनी बैग को लेकर जो है उन्हें वाइंडिंग वायर की मदद से आपस में जोड़ा गया, इस तरह से जोड़ा जा रहा है और फिर उसके बाद जो है वो कॉलम के सरफेस की जो कॉन्क्रीट है उसे कवर किया जाएगा। तो इस तरह से जो है आसानी से आप जो है अपने आस पड़ोस की अगर शॉप है आपके पास करियाना की आसपास या फिर आपकी खुद की शॉप है तो वहां पर इस तरह के गनी बैग आपको मिल जाते हैं, तो उनका यूज जो है वो आप कॉलम की तराई करने के लिए कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो और आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।